हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंट के बारे में, आज डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑपरेटर प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर इन एसेंशियल टू फाइंड आउट सिंस इट एनेबल्ड अस टू नो विच ऑपरेटर शुड बी इवेल्युएट फर्स्ट। मतलब ये हुआ कि इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अभी तक हमने ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इन सभी के बारे में डिसाइड करने वाला कि जैसे कि एक प्रायोरिटी होती है कि किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में, किसको पहले फर्स्ट में सॉल्व करना है, किसी सेकेंड में सॉल्व करना, इस तरीके की प्रायोरिटी चार्ट होती है। प्रायोरिटी चार्ट होता है जिससे कि हम डिसाइड कर सकें कि पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करना है, फिर प्लस माइनस को सॉल्व करना है, फिर एडिशन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को। तो हम प्रायोरिटी चार्ट में डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी चार्ट में क्या होता है कि ये पैरेंथेसिस, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो इसमें हम जब भी हम कोई ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो जैसे 2+2 पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है, फिर प्लस लिखा है, फोर लिखा है, तो हम पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद प्लस को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को फिर सेकेंड प्रायोरिटी है। थर्ड प्रायोरिटी में यूनरी प्लस, यूनरी माइनस एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर को, फिर फ्लोर डिवीजन को, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इनकी सभी की प्रायोरिटी चार्ट बनी हुई है। ये एग्जाम में ओ लेवल में 100% पूछेगा, इसमें प्रायोरिटी चार्ट एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रायोरिटी चार्ट से किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उसमें एक एग्जाम्पल देगा, फिर इसके बाद वो पूछेगा कि इसमें कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्लस माइनस इस तरीके का देगा, प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद डिवाइड, मॉडुलस या एक्सपोनेंट तरीके का देगा। तो इसके बाद फाइव में जो प्रायोरिटी है प्लस माइनस की, सेकंड प्रायोरिटी है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट की, एंड बिटवाइज एंड और एक्सऑर, लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फिर इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इज नॉट, इन नॉट, नॉट और एंड, इस तरीके से प्रायोरिटी चार्ट सॉल्व होती है। क्लियर। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 2+2 मल्टीप्लाई 4 फ्लोर डिवीजन 2, ये फ्लोर डिवीजन का साइन है। जिन लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखे हों अर्थमेटिक ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस वीडियो को देख लें। तो इसमें क्या है, फ्लोर डिवीजन 2, एक्सपोनेंट 2 प्लस 4 माइनस 1। इसमें पहले कौन सॉल्व होगा, इसमें जो पहले सॉल्व होगा कौन, पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, तो पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें दिया पहले पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब ए इक्वल टू, जैसे कि मैंने वैल्यू दे रखी है 2+2, ए में जो असाइन होगी वैल्यू, आंसर आएगा जो, किस में असाइन होगा, वो वेरिएबल में। क्लियर। तो अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, 2+2, यहाँ पे क्या आएगा, 4, यहाँ पे आया 4 आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद फ्लोर डिवीजन का, यहाँ पे 2 फ्लोर डिवीजन, फिर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बाद प्लस 4 माइनस 4, इस तरीके से कर दिया। अब किसको सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट को पहले 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आया 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई जैसा है वैसा रख दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे फ्लोर डिवीजन, यहाँ पे एक्सपोनेंट का साइन लगा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, फिर 4 था प्लस हो गया माइनस। क्लियर। अब इसके बाद किसको सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, इन आया 16, फोर फ्लोर डिवीजन 4 प्लस 4 माइनस 1, इस तरीके से। अब फ्लोर डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा 8 माइनस 1, आंसर इज 7। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं प्रायोरिटी चार्ट। लेकिन बट कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आपको सिर्फ एक आंसर देगा, जो कैलकुलेट, जैसे कैलकुलेटर काम करता है, आपने कुछ संख्या डाली उसमें एंड प्लस माइनस किया, देन वो आंसर दे, ये नहीं बताया कि आपको किस तरीके से सॉल्व होती है। तो क्लियर हुआ ये। अब हम प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं किस तरीके से हम यूज करते हैं। पाइथन सेल ओपन होने के बाद अब हम इसमें प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे कि मैंने इसमें वैल्यू दे रखी है, मैंने लिखा 2+2 मल्टीप्लाई 4 फ्लोर डिवीजन 2 एक्सपोनेंट 2 प्लस 4 माइनस 1, ये मैंने वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब मैं इसको देन एंटर करूंगा, इसमें तो आंसर क्या आएगा 7। तो आंसर क्या हुआ, आउटपुट क्या दिया, आउटपुट आया 7। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस का यूज करते हैं। आई होप आपको प्रायोरिटी चार्ट क्लियर हुआ। हम प्रायोरिटी चार्ट को इस तरीके से यूज करते हैं। तो याद रखना है, इस प्रायोरिटी चार्ट को एक 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 क्वेश्चन जरूर ओ लेवल में बनेगा, एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो क्लियर हुआ, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।